दिल्ली में केजरीवाल की बात कर लेते हैं। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि बीजेपी एलजी का इस्तेमाल करके बैकडोर से सरकार चलाना चाह रही है। दिल्ली में केजरीवाल एलजी में फिर दंगल। अधिकारों पर केंद्र और केजरीवाल आमने सामने। डीटीसी की बसों पर भी बीजेपी आपकी टक्कर। दिल्ली में अधिकारों को लेकर केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार का नया अध्याय शुरू हो गया है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने एलजी के अधिकारों में बढ़ोतरी वाले बिल को मंजूरी दे दी है, जिस पर केजरीवाल सरकार बिफर गई है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि एलजी के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी बैकडोर से सरकार चलाना चाह रही है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को किनारे करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की व्याख्या को किनारे करते हुए, इसके उलट, संविधान में दी गई व्यवस्था के उलट जाते हुए यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली में दिल्ली की चुनी हुई सरकार होने के बावजूद एलजी के हाथ में पावर होगी निर्णय लेने की। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। झूठ बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। काम नहीं करने के तो हजार बहाने होते हैं। जो काम आपको दिया गया वो तो आप काम कर नहीं रहे। आप बताइए कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो आपसे छीन लिए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने एलजी को ज्यादा अधिकार देने वाले गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले एलजी के पास भेजने होंगे। केजरीवाल सरकार इसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ बताकर बीजेपी पर हमलावर है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।